पंजाब कांग्रेस के नवनियुक्त प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग ने अज अपना अहुदा संभालदे कहा है कि पार्टी ने मजबूत करन ते चुनौती का सामना करने पार्टी आगुआ ते वर्करा नूं अनुशासन समर्पण ते संवाद की लोड़ है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी प्रधान भारत भूषण आशू नाल इत्थे कांग्रेस भवन चंडीगढ़ विखे पार्टी के सीनियर आगुआ की हाजिरी च सादे समागम दौरान अपना अहुदा संभालिया है। इस मौके साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पंजाब प्रदेश कांग्रेस के इंचार्ज हरीश चौधरी, पंजाब कांग्रेस विधायक दल के आगू प्रताप सिंह बाजवा, विधायक सुखपाल सिंह खहरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, तृप्तजिंदर सिंह बाजवा, सुखविंदर सिंह सरकारिया, सांसद मैंबर मनीष तिवाड़ी, जसबीर सिंह डिंपा, यूथ कांग्रेस के प्रधान बरिंदर सिंह ढिल्लों भी मौजूद सन। कांग्रेसी आगू नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी दफ्तर में तो आए पर होर आगुआ ने इस मौके उन्होंने स्टेज साझी नहीं की। इस दे नाल ही पंजाब कांग्रेस के सबका प्रधान सुनील जाखड़ भी अज कि भी नज़र नहीं आए हैं। आपका सिर झुका के कांग्रेस पार्टी के परिवार का धन्यवाद करता हां कि आ जिहड़ा तुसी मैनू प्रधान बना के कांग्रेस परिवार का मुखी ते एज ए प्रधान उलीकिया, मैं थोड़ा तय दिलों धन्यवादी हां। खास करके मैं उन्हां लीडर साहबानां का धन्यवादी हां जिहड़े पहली ते दूजी कतार दे विच, वैसे तो सारिआं दा ही बैठे ने साडे सीनियर आगू साहबान जिन्होंने आपकी जिंदगी ला के इस कांग्रेस पार्टी नूं खड़ा किया। कई परिवार ऐसे बैठे ने जिन्होंने आपके जान की कुर्बानी ला दी इस कांग्रेस पार्टी के लिए, अमन शांति के लिए। मेरे अगे नमाणे नताणे उन्हां दा जिंदगी भर दे नहीं दे सकते, और मैं आस करता हूं इन्हां तमाम उन्हां लीडर साहबानां तो मेरे पिता समान ने, कुछ मेरे वड्डे भरावां समान ने, कि वह आने वाले समय दे विच सानू सेध दे के, सानू अपना आशीर्वाद दे के, आपदे गल ना ला के सानू रखणगे, और सानू वो तरीका ते सलीका सिखाउंदे रहणगे कि कांग्रेस पार्टी ते कांग्रेस पार्टी दे वर्करां नूं किस तरह मजबूत करना है। सो ये मैं उम्मीद करता हां मेरे लीडर साहबाना तो। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी कोई सियासी दल नहीं है। ठीक है, समय की तब्दीली दे नाल, समय की तब्दीली दे नाल अजकल समा ऐसा आ गया है, 21वीं सदी च असी प्रवेश कर चुके हैं। ये सियासी दल नहीं है, कांग्रेस पार्टी 150 साल पुरानी पार्टी, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, कांग्रेस पार्टी एक विचार है, और सोच ते विचार कदे खत्म नहीं हो सकते, ये मेरा मानना है, और मैनु लगता तुसी भी सब लोग इस गल नाल सहमत होंगे। अगर असी दोबारा फिर कांग्रेस पार्टी नूं मजबूती दे वल लैके जाना चाहुंदे, ना केवल कांग्रेस पार्टी नूं, चाहे कोई कारोबारी होवे, चाहे कोई बिजनेसमैन होवे, कोई व्यक्ति होवे, जिस व्यक्ति दे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिस पार्टी दे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, जिस कारोबार दे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो वध फुल नहीं सकता। सो इस करके मैं कहा कि 3 D's जिहड़े सानू आपके जीवन दे विच अपनाने पैणगे अगर असी कामयाबी वल वधना चाहुंदे हां। दूसरा डी डेडिकेशन, कि किन्नी थोड़े च डेडिकेशन है, किन्नी लगन है, किन्नी लगन दे नाल तुसी आपका कम संभालदे। बेशक वो कोई भी किता है,
सो अगर किसी भी काम के विच डेडिकेशन आ जाए तो मैं लगता है कि उस काम नू कामयाब होने तो कोई रोक नहीं सकेगा। ते तीजा में क्या डायलॉग, डायलॉग तो मतलब है थोड़े विचार, तुहाडी गल, आम जनता की गल, लोगों की गल, कांग्रेस कार्यकर्ता की गल, कांग्रेस का जेड़ा झंडा फड़ के चौंक खड़ा वो गरीब व्यक्ति जेड़ा हमेशा कांग्रेस पार्टी की उच्ची सोच से लड़ाई लड़ता है, कामना करता है, अरदासा करता है, और डायलॉग ओनू पुछते थे आपस में एक मेल मिला के सब लोगों का। ये नहीं कि अगर राजा बड़ी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुखिया है तो वह किसी न डायलॉग ना करे, वह आपके मनमर्जी की रणनीति बनावे। और अगर मैं आपके मनमर्जी की रणनीति बनावगा तो मेरा ख्याल फिर असी कामयाबी वाल बढ़ नहीं सकांगे। यह ना केवल पार्टी च है, जे फैक्ट्री भी किसी ने चलानी है तो उहदे च भी अगर तुसी आपके तमाम साथियों नाल बैठ के डायलॉग ते एक टीम वर्क कट्ठे होके चलन की जिहड़ी कल्पना करोगे तो मैनू लगता तुसी कामयाबी वाल बढ़ सकदे। इस कैंडी बल्कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डायलॉग के नाल असी एक नवेकली कांग्रेस की होड़ रखनी चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे।